नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। अभी तक हमने क्या देखा है कि जो केस टू से हमने स्टार्ट करा था, जिसमें सॉल्यूशन के अंदर वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, मतलब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल होते, तो उसमें हमने देखा था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया था और उसके फॉर्मूले। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने उसमें देखा था कि सॉल्यूशन जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन YA और YB को हमने कैलकुलेट करना सीखा था और उसके कुछ ग्राफ्स और न्यूमेरिकल्स हम देखे थे। उसी को फर्दर और हम आगे ले जा रहे कि अब एक कंटेनर से अगर दूसरे कंटेनर के अंदर मैं उस वेपर को, जो एक सॉल्यूशन की वेपर बन रही है, उस पूरी वेपर को दूसरे कंटेनर में ले जाऊं और उसको कंडेंस कर दूं, और फिर वापस से अगर उसका वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रही है उसका मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो उस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं और उसको नाम दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। तो इसमें मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें दो कंटेनर है, ठीक है, ये दो कंटेनर है। लेफ्ट साइड में जो कंटेनर है हमारे पास, इसमें मैंने लिखा है कोई लिक्विड फेस में कोई सॉल्यूशन हमने बनाया, उसमें ए और बी दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो लिक्विड फेस में उस ए के मोल फ्रैक्शन एक्स है और बी के मोल फ्रैक्शन एक्स भी, जो अभी तक हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा लिक्विड फेस। अब ये सॉल्यूशन है लिक्विड फेस में है, दोनों लिक्विड है, तो क्या है, वॉलेटाइल होंगे। हमने माना कि ए और बी दोनों कैसे वॉलेटाइल है, ठीक है। तो अब इसमें इस लिक्विड फेस से कुछ ना कुछ वेपर्स बनेगी सॉल्यूशन की, तो वेपर फेस में ए के भी कंपोनेंट होंगे वेपर और बी के भी कंपोनेंट होंगे, तो उनका कुछ मोल फ्रैक्शन वाई ए और वाई बी हमने उसको नाम दे दिया, ठीक है। इतना हम पढ़ चुके कि इसके मोल फ्रैक्शन से जब इसके इसमें कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से वेपर फेस, तो ये वाई और वाई बी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इससे आगे हम एक स्टेप क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। पहले कंटेनर में, ठीक है, मतलब वेपर बन गई होगी, जो भी इक्विलिब्रियम आना होगा, ठीक है, वो आ चुका होगा, सॉल्यूशन से हमें एक वेपर मिल जाएगी, एक अमाउंट मिल जाएगा वेपर फेस में इसी सॉल्यूशन का। अब मैंने क्या करा, जो भी वेपर्स बनी है, ध्यान से सुनना, जो भी वेपर्स बनी है पहले वाले कंटेनर के अंदर, उन सारी वेपर्स को जितनी बनी है सारी की सारी, ठीक है, अब वो जो भी अरेंजमेंट है कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें टेक्नोलिटी पर नहीं जा रहा हूँ मैं, बस ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने सारी जो वेपर्स बनी है सॉल्यूशन की, उस सारी वेपर्स को हमने एक पाइपलाइन के थ्रू दूसरे क्या करा, एक कंटेनर में फिल कर दिया। और नॉर्मल नहीं, हमने क्या करा, जब ये वेपर्स को ट्रांसफर कर रहे थे तो बीच में एक क्या करा, कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या करेगा, वेपर को वापस में किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ कूलिंग करा रहे होंगे कंडेंसर के थ्रू, ताकि जो यहां से जो भी वेपर्स पास हो रही है वो अब किससे पास होगी, लिक्विड फेस के थ्रू, यानी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सेकंड कंटेनर था, इस सेकंड कंटेनर के अंदर अब लिक्विड आ गया कुछ, उस लिक्विड से जब ये लिक्विड आया, अब ये अब इसको अब अलग से कंटेनर ट्रीट कर लो, ठीक है। अब ये बिल्कुल अलग सिस्टम मान लो कि अब ये कंटेनर हो गया, इसमें कुछ लिक्विड है, अब लिक्विड है तो अपने आप क्या होगा, उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर जो भी वेपर्स बनेगी, तो उसमें ए भी होगा बी भी होगा, क्योंकि दोनों कैसे है, वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर कुछ अलग नया मोल फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, या नए मोल समय नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा हमारे ए और बी को। तो अब हम कैलकुलेट, ये तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, अब हम एक्स ए डैश और एक्स बी डैश, जो हमारा वेपर को लिक्विड में कंडेंस करने के बाद जो हमारा लिक्विड फॉर्म बना, तो इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, और इस सॉल्यूशन का फिर जब वापस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा तो इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो उसको वाई ए डैश वाई बी डैश वेपर फॉर्म के लिए नाम दिया गया, और एक्स ए डैश और एक्स बी डैश ये लिक्विड फॉर्म के लिए इसको नाम दिया गया। अब इसको कुछ नाम दिए जाते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन इनिशियली था उसको बोला जाता है ओरिजिनल सॉल्यूशन, और पहली बार कंडेंसेट करने के बाद वेपर को जो लिक्विड रखा जाता है तो उस कंटेनर को बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट। ऐसे में फर्दर एक और कॉलम एक और कंटेनर कनेक्ट लगा दूंगा और उससे पाइपलाइन से कनेक्ट करके बीच में कंडेंस करके और सेकंड कंटेनर में डाल देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड कंडेंसेट। ऐसे थर्ड कंडेंसेट फोर्थ कंडेंसेट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग है। और ऐसा क्यों करते हैं उसके भी हम बात करेंगे आगे, पहले हम ये समझ लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हुआ क्या, देखो यहां पे हम मान रहे हैं कि जो हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन है, तो इनिशियल सॉल्यूशन में हमें पता है कि जो भी हमारे पास ए और बी कंपोनेंट या सब्सटेंस है
उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा पी नॉट प्योर फॉर्म में, तो वो हमने मान लिया पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ए और बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर हमें गिवन दे रखा है। अगर वेपर प्रेशर हमें गिवन दे रखा है तो हमें ये भी पता होगा कितना अमाउंट हमने ऐड करा, तो मैंने ये भी मान लिया कि उनका मोल फ्रैक्शन भी हमें लिक्विड फॉर्म में गिवन दे रखा है। तो मेरे पास प्योर फॉर्म में उनका वेपर प्रेशर पता है, ठीक है, और फिर क्या पता है, मोल फ्रैक्शन मुझे पता है। तो अगर मुझे इस वाई ए और वाई बी को कैलकुलेट करना, तो ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक फॉर्मूला होता है जो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को क्या करता है, रिलेट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग पी नॉट एक्स अपॉन ये प्रेशर, टोटल प्रेशर इस सॉल्यूशन का, और पी नॉट बी एक्स अपॉन टोटल प्रेशर इस सॉल्यूशन का। पी क्या होगा, ऊपर जो प्रेशर है। अब हमने क्या करा, जो ये वेपर था इसको लिक्विड को, इस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करा कंडेंसेट करके और दूसरे कंटेनर में फिल कर दिया। अब ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे हमने लिक्विड लिया उसमें ए और बी जो अमाउंट ट्रांसफर होगा, क्या कुछ अलग से अमाउंट थोड़ी ट्रांसफर होगा, जो भी वेपर फेस में हमारे पास अमाउंट था उसी को तो हमने क्या करा, बस लिक्विड में कंडेंस कर दिया। नहीं तो जो ए के अगर इधर 10 मोल थे वेपर फेस में और बी के 5 मोल थे, तो लिक्विड में भी तो 10 और 5 ही रहेंगे, वो कुछ चेंज थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि उसी वेपर को तो हमने क्या करा, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान रखना, जब कंडेंसेशन करेंगे वेपर फेस का लिक्विड के अंदर, तो जो वेपर फेस के अंदर जो भी कंपोनेंट हमारे पास है, सब्सटेंस है, उसके जो मोल फ्रैक्शन है या नंबर ऑफ मोल्स है, जब मोल सेम होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो डायरेक्ट मैंने लिख रहा हूँ कि वाई और वाई बी जितने मोल्स ये थे वो किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स ए डैश और एक्स बी डैश के, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि एक्स ए डैश फर्स्ट कंडेंसेट में लिक्विड फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वाई ए के, क्योंकि इसी को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे एक्स डैश बी किसके बराबर हो जाएगा, वाई बी। ये बस समझने वाला इंपॉर्टेंट बात था। अब वाई ए डैश और वाई बी डैश कैसे कैलकुलेट करें, तो बस वाई ए डैश और वाई बी डैश को हमें कैलकुलेट करना है। तो सेम लिक्विड फॉर्म में हमें पता है मोल फ्रैक्शन, तो हमें किस में कैलकुलेट करना है, वेपर फेस के लिए। तो सेम फॉर्मूला वही लगा देंगे, वाई ए डैश के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पी नॉट ए ये तो कांस्टेंट वैल्यू, ये तो चेंज होनी ही नहीं है, एक्स ए डैश हमें पता ही लग गया वाई ए के बराबर होगा, और पी डैश क्या है, ये नया इस वाले अब जो इस नए कंटेनर के अंदर जो नए वेपर्स बन रहे थे उनका प्रेशर कुछ अब अलग आएगा, प्रेशर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इधर इस लिक्विड का अमाउंट कुछ अलग था, अब इस लिक्विड का कुछ अमाउंट अलग आ गया, तो उसके वेपर्स भी अलग अलग अमाउंट में बनेंगे, और वेपर्स का अमाउंट अलग होगा, मोल्स अलग होगा, तो उनका वेपर प्रेशर भी अलग होगा। तो ये कांस्टेंट सिर्फ पी नॉट है, प्योर लिक्विड की बात हो रही जो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे पी नाम दिया गया प्रेशर को, यहाँ पी डैश दिया गया है, तो ये प्रेशर अलग हुआ है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम पूरे समझेंगे इसको, अभी जो बेसिक चीज़ थी मैं एक आइडिया देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वाई ए डैश को कैलकुलेट करना, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बस अब इस कंटेनर में जो जो हमें दे रखे पैरामीटर उसको हम यूज़ करेंगे। तो बस लास्ट इसमें यही लिखा है कि P हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, जो ये है ओरिजिनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। P डैश क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट, जो फर्स्ट कंडेंसेट हमारा कंटेनर है उसमें इसका ऊपर वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करके दूसरे कंटेनर में डाल रहे, तो इसके फर्स्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन होंगे ए और बी के, वो इक्वल होंगे लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन जो फर्स्ट कंडेंसेट के होंगे, जो ये मैंने लिख दिया। बाकी ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए अप्लाई कर देंगे जब थर्ड में होगा, तो फिर अब थर्ड होगा अगर तीसरा कंटेनर यह लगा देता, इस वेपर को मैं थर्ड कंटेनर में जब फिल करता तो बीच में कंडेंसर लगाता हूँ, तो इस पूरी वेपर को मैं थर्ड लिक्विड में क्या, थर्ड कंटेनर में क्या करता, लिक्विड में कन्वर्ट करता। तो उस लिक्विड फेस के अंदर जो उसका मोल फ्रैक्शन होता, तो उसको मान लो मैं नाम देता एक्स ए डबल डैश, तो एक्स ए डबल डैश मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होते हैं, वाई ए डैश के। ऐसे एक्स बी डबल डैश के मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वाई। इस तरह के सब कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू में इसको समझेंगे भी, और उसकी एप्लीकेशन भी हम देखेंगे। पहले एक बार इसको आप जल्दी से नोट कर लें। एक न्यूमेरिकल है ये, इसी पे बेस्ड, तो ध्यान से देख लो क्वेश्चन, थोड़ा दिखने में बड़ा है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ली है ताकि सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग
two volatile component A and B of moles 2 and 3 respectively at a fixed temperature. The vapor pressure of A and B at same temperature is 200 mmHg and 300 mmHg respectively. Then calculate first part a mole fraction of A and B in vapor phase in original solution. Vapor pressure of original solution. Third, mole fraction of A and B in vapor phase in first condensate. Fourth, vapor pressure of solution in first condensate. ठीक है, तो I hope क्वेश्चन समझ में आएगा. थोड़ा सा लेंथी है, मैंने एक ही क्वेश्चन में चार चीज़ें पूछ ली ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. ठीक है, तो जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करें और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें. फॉर्मूले सारे सेम है, जो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आई थी वो मैंने बता दिया नहीं. ठीक है, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन है और एक फर्स्ट कंडेंसेट, दो ही कंटेनर है. तो ओरिजिनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और उसमें मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में, यानी वाई ए और वाई बी कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन मतलब पी कैलकुलेट करना. थर्ड पार्ट में वाई ए डैश वाई बी डैश कैलकुलेट करना. और फोर्थ पार्ट में पी डैश, ठीक है, सेकंड कंटेनर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लिया हो कई लोगों ने तो अच्छा है, बाकी लोग देखें कैसे इसका हम सॉल्यूशन देखें. स्टार्ट करते हैं हम इसको. सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या दे रखा है डेटा उसको हम देख ले एक बार. मुझे दे रखे दो वोलेटाइल कंपोनेंट है ए एंड बी. ठीक है, तो केस टू टाइप ही है, तो इसमें हमें एन मोल्स दे रखे ए के, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन ए से. वो दे रखा है मुझे टू. मोल्स दे रखे बी के, वो उसको मैं लिख रहा हूँ थ्री. फिर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर इज ए. इसका मतलब ये कि पी नॉट ए प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर दे रखा है मुझे 200 mmHg एंड पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 300 mmHg. ठीक है, तो सिर्फ चार डेटा मुझे दे रखा है. तो जो अभी हमने लास्ट, ठीक है, पिछले स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि दो सेम, ठीक है, चाहो तो कई लोग इसमें सेम वैसे दो कंटेनर बना लेना, एक ओरिजिनल सॉल्यूशन का और एक फर्स्ट कंडेंसेट का. अब पहला पार्ट मुझे कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी वेपर फेस इन ओरिजिनल सॉल्यूशन. तो ये तो हमें पता ही है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को जब भी मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में पूछे जाते हैं तो मैं जनरली क्या करता हूँ, रेशियो निकाल लेता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर बताया भी था. ठीक है, उससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होती है. तो मैंने बताया था वाई ए और वाई बी का रेशियो निकाल लो, उसके बाद डायरेक्ट मोल्स और ईजी जल्दी से निकल जाएंगे. तो ये होता है पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी. ठीक है, वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको डायरेक्ट लिखने की आदत डाले, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में याद रखें. फिर भी मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, पी से पी कैंसिल हो जाएगा. और मैंने बताया था फिर मोल फ्रैक्शन को, ठीक है, ओपन करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी बी हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंस लास्ट लेक्चर का ले लेना, समझ में आ रहा होगा. वैसे पी से पी कैंसिल हो जाएगा, एक्स ए को मैं लिख सकता हूँ एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इसको लिख सकता हूँ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. तो डिनोमीटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एन ए बचेगा और एन बी. तो हमें चारों चीज़ें दे रखी हैं, तो डायरेक्ट मैं रेशियो निकाल रहा हूँ. पी नॉट ए ये आ जाएगा 200 इंटू इसके मोल 2 और 300 इंटू इसके मोल 3. तो ये कितना आ जाएगा, 4/9. ठीक है, अब जब इन दोनों का रेशियो हमें पता लग गया तो अब मैं ईजली, ठीक है, वाई ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो वाई ए क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो, और डिनोमिनेटर में दोनों का समेशन 4+9 13. एंड वाई बी निकाल सकते हैं कैसे, मैंने बोला जो जिसके सामने लिखा है, वाई ए के सामने 4 लिखा है तो 4 लिखो, और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों का समेशन, वाई बी के सामने ये जो 9 लिखा है तो 9 लिखे ऊपर, और डिनोमिनेटर में दोनों का समेशन. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा वाई और वाई बी इजली हो गया, जल्दी कैलकुलेशन भी बच गई. वरना पहले हमें प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ता, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ता. ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा. सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए दो केस हमने करे थे, एक नॉन वोलेटाइल और एक वोलेटाइल. तो ये इस केस में कैसे है, दोनों वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा इसमें, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स ए और एक्स बी और कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो एक बार एक्स ए इसको अगर हम कैलकुलेट करें
तो ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से x b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस x से करेंगे तो 3/5। ये एक बार हमें पता लग गया, तो प्रेशर होगा p नॉट a x a प्लस p नॉट b x b। बस इसमें क्या करो, डायरेक्ट वैल्यूज रख दो इसकी। देखिए p नॉट a हमें पता है वैल्यू 200, p नॉट b इसकी वैल्यू पता है, x x b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ p इज इक्वल्स टू 200 इंटू, ठीक है, एक एक्स ए की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 2/5 प्लस 300 इंटू 3/5। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ओरिजिनल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 260 mm। अच्छा जी, ये हमारा हो गया सेकंड आंसर जो कि इसमें पूछा गया था। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए, ठीक है, थर्ड पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन। तो एक्स ए डैश जो है वो किसके बराबर होगा, वाई ए, ये भी हमने बात करी थी। तो ये किसके वाई ए के बराबर होगा, और वाई ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4/30। इसी तरीके से एक्स बी डैश की अगर हम बात करें, फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर जितनी भी वेपर्स थी वो कहाँ से आई है, क्या सॉरी जितनी भी फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म है वो कहाँ से कन्वर्ट हुआ, ओरिजिनल सॉल्यूशन के वेपर फेस को हमने कन्वर्ट करा। तो किसके बराबर होगा, वाई बी के बराबर, और वाई बी की वैल्यू 9/13, ठीक है। ये तो इतना क्लियर हुआ। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस। तो ए और बी के वेपर फेस के अंदर वेपर फेस के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। तो वापस फार्मूला हम क्या ये यूज़ करेंगे, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ये फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, y a डैश अपॉन y b डैश, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट रेशो निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं p नॉट a और x a। देखो पहले क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्ट क्या दे रखे थे, मोल्स दे रखे थे, तो मैंने डायरेक्ट मोल्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके केस में मुझे मोल्स निकालने की जरूरत नहीं, मुझे मोल फ्रैक्शन पता लग गया तो मैंने मोल फ्रैक्शन लगा दिया, p नॉट b x b डैश। ये दोनों वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, चेंज होगी नहीं। तो p नॉट a, p नॉट a की वैल्यू हमें पता है ये कितनी, 200 x a डैश, ये हमने कैलकुलेट करी कितनी, 4/13, ठीक है, डिवाइडेड बाय p नॉट b 300, और ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी कितनी, 9/13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/13, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो ये जो रेशियो आएगा हमारे पास कितना आ रहा है, 8/27, ठीक है, 9 3 ये 27 करके ये रेशियो आ रहा है। जब ये रेशियो आ गया तो अब मुझे वाई ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो न्यूमरेटर में 8 और दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 35। इसी तरीके से वाई बी डैश कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। तो वाई बी डैश के सामने 27 लिखा और न्यूमरेटर में दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो वाई ए डैश और वाई बी डैश हमें पता लग गया, ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसको, ठीक है, अब इसको क्या करें, फोर्थ पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, वेपर प्रेशर जो कैलकुलेट करना है फर्स्ट कंडेंसेट का। तो पी डैश क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए डैश प्लस पी नॉट बी एक्स बी डैश, इसकी वैल्यूज डाल दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 200 इंटू एक्स ए डैश, ठीक है, एक्स ए डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 4/13, ठीक है, प्लस यहाँ पर p नॉट b, इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 इंटू 9/13, और इसको कैलकुलेट कर ले तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगी 269
mmHg approx ही लिख रहा हूँ मैं ना, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा। ये तो हमने सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, अब इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना है। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट करा वाई ए और वाई बी की वैल्यू, ठीक है, तो वाई ए की वैल्यू 4/13 है। इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं छोटा सा, 4/13 को जब कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 0.3 इसकी वैल्यू आएगी। इसको जब कैलकुलेट करोगे 9/13 को तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आएगी 0.7, ठीक है। तो वैसे दोनों का समेशन 1 होना चाहिए, तो 0.3 है, तो अपना आप इसको क्या ले लिया हमने 0.7, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी इसकी वैल्यू दे रखी 2/5 और 3/5 दे रखी। अगर इसको भी अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा 2/5, और ये 0.4 है तो ये अपना आप क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा यानी, ठीक है। इसी तरीके से एक्स ए डैश की वैल्यू जो हमने, ठीक है, कैलकुलेट करी वो किसके बराबर होगी, वाई ए, तो ये तो 0.3 है ही, तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा 0.3, और ये कितना आ जाएगा 0.7। और जो नेक्स्ट अभी हमने कैलकुलेट करा वाई ए डैश और वाई बी डैश, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये हो जाएगा 0.22, और ये अगर 0.22 है तो ये कितना आ जाएगा 0.78। ये ऐसे वैल्यूज क्यों लिखी इसको समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड में हमने बताया था ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है। ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर एक लिक्विड फेज है, उसका कुछ मोल फ्रैक्शन है। इस मोल फ्रैक्शन को अगर हम यहाँ से देखें एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू, ठीक है, इससे मैं कंपेयर करूँ एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू है 0.4 और 0.6, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनली हमारे लिक्विड फेज में, ठीक है, लिक्विड फेज के अंदर देखूँ तो ये वैल्यू थी 0.6, और तो ये कितनी हो जाएगी 0.4। फिर वाई ए और वाई बी की वैल्यू, वाई ए और वाई बी की वैल्यू 0.3 और 0.7, तो ये हो गई, मैंने लिखा 0.3 और ये लिखा 0.7। फिर सेम वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, इसी के लिए हो जाएगी, तो ये 0.3 और ये रहेगा 0.7। और वाई ए डैश और वाई बी डैश के लिए जो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है, वाई ए डैश और वाई बी डैश के लिए हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो 0.22 है ना, तो ये हो जाएगा 0.22, तो ये हो जाएगा 0.78। इसका प्रेशर जो है, यहाँ पर प्रेशर आ रहा है मेरे पास, फर्स्ट केस में आ रहा था ये जो प्रेशर है 260, ये प्रेशर इस सॉल्यूशन का आ रहा है 260 mmHg, और यहाँ पे जो P डैश है इसका प्रेशर आ रहा है 269 समथिंग, ठीक है। सारे डेटा मैंने इस फॉर्म में लिख दिए, तो एक बार देख ले इसको पहले, ठीक है, एक बार कॉपी कर ले इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से। ये फर्स्ट था, फिर रिमेनिंग सॉल्यूशन, इसमें हमने लिखा था, ये सारे डेटा हमने लिख दिए। अब मैं आ रहा हूँ इससे, ये तो हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं इस पर। ये सारे डेटा मैंने इस फर्स्ट स्लाइड से, ठीक है, चाहो तो ये डायग्राम फिर से बना ले इस क्वेश्चन के अलग से, और ये डेटा इसमें लिख लेना। अब मैं कह रहा हूँ लिक्विड फेज के अंदर, लिक्विड फेज के अंदर इनिशियली हमारे पास 0.6 ए के मोल फ्रैक्शन, मतलब ये इसका अमाउंट दे दिया, और ये बी के मोल फ्रैक्शन 0.4। जब ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ तो अब ए के जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितने थे, 0.6 थे, वो कितने हो गए वेपर फेज के अंदर 0.3 हो गए, और ये कितने हो गए 0.7 हो गए। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ वापस, डेटा सही तो लिखे, वाई एक्स ए 0.4 बिल्कुल सही लिखा है, 0.6 बिल्कुल ठीक लिखा है, वाई ए 0.3 0.7 बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक। देखो अब क्या है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो अभी हमें इनिशियली कुछ नहीं पता है कि कौन सा ज़्यादा वॉलेटाइल है ए और बी में से। तो ए और बी में से जब ए वेपर फेस में कन्वर्ट हुआ तो 0.6 से इसके वेपर फेस में इसके कितना है 0.3 मोल, और इसमें वेपर जो वेपर फेस है, मतलब इसका मतलब ये तो लिक्विड फेस में इन दोनों के ये मोल्स का रेशियो बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन है, और वेपर फेस में इसमें इसका मोल का रेशियो है। अब जब इस पूरे वेपर को हमने क्या करा, लिक्विड में कन्वर्ट करके दूसरे कंटेनर में डाला, तो मोल फ्रैक्शन अभी भी सेम है।
लेकिन अब जब वापस इसने नया वेपर बनाया, वापस जब इसने नया वेपर बनाया तो देखना 0.3 से अब कितना हो गया, ये 0.22 हो गया, मतलब इसके वेपर्स कम बन रहे किसके, ए के, और ये 0.7 से बढ़कर कितना हो गया 0.78, या इससे कंपेयर कर लो, फर्स्ट वाले में 0.3 था तो सेकंड के अंदर ये वापस जब वेपराइज हुआ तो 0.22 हो गया, ये 0.7 था ये बढ़ के 0.78 हो गया, समेशन तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 रहना है। कंक्लूजन ये कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा इसमें से, मुझे देख के बताओ वॉलेटाइल कौन सा, ए और बी में से, बी होगा वॉलेटाइल, जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसका मोल फ्रैक्शन या उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, वेपर फेस में बढ़ता जाएगा क्योंकि उसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे यानी। तो इसके पॉइंट भले ही देखो यहाँ पे, इसके लिक्विड फेस में 0.4 मोल्स थे लेकिन वेपर फेस में कितने बन गए, 0.7 बन गए यानी, अगर कंपेयर करें तो। यहाँ लिक्विड फेस में ए के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा थे लेकिन वेपर फेस में बी के ज़्यादा हो गए, मतलब बी ज़्यादा वॉलेटाइल है तो इसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे इसलिए इसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा आ रहा है। अब जब इसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट करके दूसरे कंटेनर में डाला तो ये तो सेम ही रहना है जो वेपर फेज में था, लेकिन जब वापस इसके वेपर्स बने सॉल्यूशन के अंदर तो ये 0.7 से बढ़ के अब कितना हो गया, 0.78 हो गया, और ये और कम हो गया। जब मैं इसको थर्ड कंटेनर में डालूंगा तो फिर उसकी वैल्यू 0.78 से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 8.5, 8.6 जो भी होगी, ठीक, कैलकुलेट कर लेना, ऐसे बता रहा हूँ मैं, तो ये वैल्यू और छोटी होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा सेकंड कंडेंसेट, थर्ड कंडेंसेट, फोर्थ कंडेंसेट, जब तक हमें चला सकते हैं इसको, तो जब तक इस पूरे की वैल्यू कितनी नहीं हो जाए 1, जब तक इस पूरे की वैल्यू कितनी नहीं हो जाए 1, तब तक हम इसको कंडेंसेट में कन्वर्ट करते रहेंगे। उससे क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे वेपर फेस में सिर्फ क्या बचेगा, बी बचेगा यानी, और अकेला किसी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाने का मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन के अंदर वो प्योर फॉर्म में आ गया। अब वाई बी इक्वल्स टू जब 1 हो जाएगा इसका मतलब सिर्फ वेपर फेस में बी कंपोनेंट ए खत्म हो चुका है। तो कंक्लूजन क्या है कि हम ए और बी को बार बार ऐसे कंडेंसेट कर करके हम क्या कर दे रहे, दोनों को सेपरेट आउट कर दे रहे, यानी जो लिक्विड फेस में हम उसका कंसेंट्रेशन, ये मैंने रैंडमली वैल्यू ली है, जो अभी इस न्यूमेरिकल में 2-3 मोल्स और ये जो ना, ये सब रैंडम वैल्यू, तुम्हारी जो इच्छा हो बड़ा छोटा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेना सेम क्वेश्चन में, जो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन जिसकी तुम वेपर प्रेशर की, पी नॉट ए और पी नॉट बी में से जिसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा लोगे ए और बी की, वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि हम सेम टेम्परेचर पर बात करें। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने जो इस क्वेश्चन में लिया है, ए 200 mm लिया और बी 300 mm लिया, मतलब बी क्या है, सेम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब ये कंपोनेंट बी ज़्यादा क्या है, वॉलेटाइल है, तो इसकी वेपर्स भी क्या बनेगी ज़्यादा, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, फर्दर ज़्यादा। तो देखो बी की वैल्यू ज़्यादा है, ए की कम है, इसलिए जो हमें मोल फ्रैक्शन है, जो हमें मोल फ्रैक्शन है उसके अंदर वेपर फेस के अंदर बी का ही ज़्यादा मिलता जा रहा है। तो इसी, ये जो प्रिंसिपल है, जो हम ये कंडेंसेट वाला प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो वॉलेटाइल कंपोनेंट है एक मिक्सचर के अंदर नॉन रिएक्टिंग, तो उन दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि दो जो हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट है उनका नेचर अलग अलग होगा, तो उनकी वॉलेटाइल नेचर अलग होने की वजह से उनका वेपर जो क्रिएट होंगे या वेपर प्रेशर होगा वो भी अलग अलग होगा, और उनके मोल्स भी क्या होंगे, वेपर फेस में अलग अलग बनते जाएंगे। तो जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा वो वेपर फेस में ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से हम, ठीक है, मल्टीपल कंडेंसेट लगा के दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्सचर से क्या करते हैं, सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं, और उसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आई होप जो थ्योरी मैंने इस क्वेश्चन से स्टार्ट करी थी और न्यूमेरिकल पे एंड करा, एक प्रैक्टिकल फीलिंग देने की कोशिश करी और ये बताने की कोशिश करी कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। स्टार्टिंग मैंने बोला था कि यूज क्या आता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में काम होता है, जो लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसके वेपर फॉर्म में ज्यादा मोल्स बनेंगे, और कंटिन्यूसली, ठीक है, ऐसे मल्टीपल कंडेंसेट लगाओगे तो ज़्यादा उसके मोल्स बनेंगे, और एक टाइम जब तक उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 नहीं होती तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे मल्टीपल कंडेंसेट लगा के। जब 1 हो जाएगी तब वो प्योर फॉर्म में हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो एक बार, ठीक है, फिर से अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा तो मैं 1 by 1 स्लाइड फिर से एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके कॉपी कर ले रहा, ठीक है, सबसे पहले हमारी यही स्लाइड थी, ठीक है, तो ये कॉपी कर ही ली होगी।
उसके बाद ये क्वेश्चंस था उसके अंदर, ठीक है, तीन पार्ट, दो पार्ट पूरे हो गए थे, तीसरा हमने स्टार्ट करा था और रिमेनिंग सॉल्यूशन इसके अंदर है। और एक लास्ट चीज़ जो शायद ये छूट गई है, प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू भी लिखी है मैंने, P इसमें लिखा है 260, यहाँ प्रेशर कितना हो गया 269, मतलब प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अब जो वेपर फेस में जो कंपोनेंट है वो उस सब्सटेंस के ज़्यादा है, और जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, जो ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसके मोल्स भी क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे वेपर फॉर्म में, तो इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा अगर हम इनको भी कंपेयर कर ले तो। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।